राम राम, जय हिंद। रनिंग में स्पीड कैसे बढ़ानी उसके ऊपर बात करेंगे। सिंपल सी चीज़ें हैं, फॉलो करोगे स्पीड आराम से बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले व्हाट्सएप जो आ रहा है सामने, मतलब मैसेज कर लेना है व्हाट्सएप पे, क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग चालू है हर एक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, देखो इन वीडियोस में हम ज़्यादा वर्कआउट शेड्यूल नहीं डालते हैं, कुछ भी नहीं डालते हैं, क्योंकि हमने सारे वर्कआउट्स ऑलरेडी एक साल पहले बता रखे हैं, तो हमें वापस से वही वीडियो रिपीट करने का अब कोई ऐसा मूड है नहीं। ठीक है, तो जब भी आप लोग प्लान लेते हो इस बात का ध्यान रखना कि हम वो वीडियो आपको शेयर करते हैं, आपका 7 दिन का वर्कआउट हम तैयार करते हैं, आपका डाइट आपके हिसाब से हम तैयार करते हैं, जितना आपके पास पैसा होगा उस हिसाब से, जितना बजट होगा उस हिसाब से, जूते अगर चाहिए उसका भी रिकमेंडेशन, हम मतलब हम ओवरऑल पूरी हेल्प करते हैं थ्रू आउट रनिंग। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज दौड़ में स्पीड के बारे में। सबसे पहली चीज़ ये समझ लेना, दौड़ में स्पीड आएगी स्टेमिना से। मतलब कहने का, अगर हम तुम्हें एक छोटे उसमें बताएं तो अगर इतना स्टेमिना है तुम्हारे पास तो उसमें से इतनी स्पीड निकलेगी। ठीक है, ये एक थोड़ा सा इलॉजिकल तरीके से बता दिया लेकिन ये फैक्ट है। तो सबसे पहला काम क्या करना है तुम्हें, स्टेमिना पे ध्यान देना है। अगर तुम्हें आज 7 से 10 दिन हुए हैं रनिंग करते हुए तो तुम ये नहीं बोल सकते हो कि तुम्हारी स्पीड नहीं बन रही है, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे रनिंग में, अगर तुम्हें स्पीड बढ़ानी है तो सबसे पहला काम जो तुम करोगे वो है अपने स्टेमिना पे ध्यान दोगे। पहली चीज़ होगी स्टेमिना पे ध्यान देना जिसके लिए तुम स्पीड रनिंग करोगे। ठीक है, उसके बाद करोगे। दूसरी चीज़, अगर स्पीड बढ़ानी है तो पैरों की पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो जब भी स्टेमिना के लिए तुम वर्कआउट फॉलो करते हो तो उसके बीच में हर हफ्ते में 3 दिन पेट का और सॉरी पैर का वर्कआउट जरूर करना है। लेग वर्कआउट, स्क्वाड, जो भी तुम्हें लगता है स्क्वाड कर लो, लंजेस कर लो, जो मर्जी वो कर लो, लेकिन 3 दिन हफ्ते में लेग का वर्कआउट कंपलसरी है, क्योंकि पैरों में जान रहेगी तभी स्पीड आ पाएगी। ठीक है, दो चीज़ें ये हो गई। तीसरी चीज़, कैफीन। लोग ये समझते नहीं है लेकिन अगर स्पीड बढ़ानी है, तुम्हें लग रहा है कि अभी जहाँ पे हो तुम उससे तुम्हें कुछ प्लस करना है, तुम्हें कैफीन इंटेक करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि प्री वर्कआउट ले लो जाके, हम ये बोल रहे हैं कि अगर स्पीड चाहिए तो तुम्हें कैफीन मतलब कि कॉफ़ी का सेवन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही ब्लड स्ट्रीम में जाके नाइट्रो ऑक्साइड बन के और तुम्हारे मतलब फोर्स जनरेट करती है तुम्हारी बॉडी में। ठीक है, तीन चीज़ें आ गई समझ में। चौथी बात, अगर रनिंग में स्पीड चाहिए स्प्रिंटिंग पे ज़्यादा ध्यान दो। मतलब ज़्यादा ध्यान देने मतलब ये भी नहीं है कि हर दिन दौड़ रहे हो, नहीं, हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन तुम स्प्रिंटिंग पे ध्यान दो। स्प्रिंटिंग में भी ऐसा नहीं कि कुछ भी दौड़ रहे हो, प्रॉपर प्लान बनाओ कि 400 मीटर के 4, 100 मीटर के 8, 200 मीटर के 4, इस तरीके से प्लानिंग करके तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, आखिरी बात जो तुम्हें स्पीड रनिंग की ध्यान देनी है कि जब भी तुम स्पीड वर्कआउट करो तो कोशिश ये करो कि 7 दिन हफ्ते में होते हैं उसमें सिर्फ 4 दिन 5 दिन करो, 2 दिन का एटलीस्ट रेस्ट रखो, पहले 3 दिन दौड़ के फिर रेस्ट, फिर 3 दिन फिर रेस्ट, इस तरीके से करोगे तो स्पीड बहुत बेहतर बनेगी, क्योंकि रिकवरी हो चुकी होगी बॉडी की, और इस तरीके से स्पीड तुम आराम से बढ़ा सकते हो। बाकी के लिए हम बैठे हैं। राम राम, जय हिंद।